सुनाई दे रहा है, क्यों परेशान हो रहा है? सही है ना, तो वही बोलिए ना, मैं जा रहा हूँ, बोलिए नहीं हो सकता इसमें तो। अंदर मंदिर का मिल रहा था मंत्र का, ठीक है ले जा रहा हूँ सर, ऑन है सब कुछ। बस दे दिया, डाल दिया मैंने वहीं पे, बस बस अंदर ही डाल दिया, कोई बात नहीं, आप हटे वहीं जो दान पर सुनवाई खड़ी थी, अंदर मंत्र का इसी से पूरा मिला। अच्छे से सर मैं लेकर अंदर खड़ा हो गया, बहुत अच्छा होगा पूरा मंत्र मैं सुन रहा था, अच्छा मंत्र का लेकर अंदर खड़ा था ना भाई। अजय जनमानस की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के यहाँ आने से बेहद जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं। लोगों को ये लगता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो सनातन हिंदू संस्कृति के जितने प्रतीक हैं वहाँ पर जाने में कोई हिचक नहीं करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव के जो है वो अनन्य भक्त भी हैं। यहाँ के लोगों की और यहाँ के जो मुख्य धर्माधिकारी और पुजारी हैं उनकी अगर बात माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री होने के पूर्व के समय में काफ़ी एक लंबा वक्त जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर गौरी चट्टी का स्थान है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त भी गुजारा था। तो इस समय आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को अलग अलग स्मृति चिन्ह दिए जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का एक विशेष अनुराग, क्योंकि काशी विश्वनाथ से प्रतिनिधि होना और केदारनाथ में आके पूजन करना और सोमनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना और सभी ज्योतिर्लिंगों का पशुपतिनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सूत्र में सब जगह पर पिरोने का काम करना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और सबका साथ सबका विकास का जो मूल मंत्र वो देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय सनातन संस्कृति की वो मूल मंत्र का ही वो उन्हीं मूल मंत्रों का निचोड़ है, जिसमें विश्व बंधुत्व की बात कही जाती है, जिसमें सर्व कल्याण की बात कही जाती है और जिसमें ये कहा जाता है कि सबके भले के साथ हमारा भी भला हो, क्योंकि अकेली हिंदू संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति ऐसी है जो सबके कल्याण के साथ साथ अपने कल्याण की बात कहती है।